ओके से आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। तो मतलब यार, मैं आजकल मारुति की गाड़ियों के बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ भाई, क्या ही करूँ। मतलब मारुति की गाड़ी इतनी ट्रेंडिंग में चल रही है, आप मारुति सुजुकी स्विफ्ट की बात करो या KTM की बात करो या मारुति सुजुकी ओल्टा 100 के LXI ऑप्शनल CNG वेरियंट के बारे में बात करो, मतलब काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही इनकी गाड़ियाँ। तो आज की वीडियो में हम मारुति सुजुकी LXI ऑप्शनल CNG के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई जो ओल्टा 100 का LXI CNG ऑप्शनल वेरियंट है वो आपको ऑन रोड कितने का देखने को मिल जाता है, और इसके अलावा आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन इसके वेरियंट में देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर आप में से किसी भी बंदे को अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाना हो या कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल है, कॉन्टैक्ट जरूर करें। इसके अलावा इस गाड़ी की कुछ इंजन की बात करें तो आपको इस गाड़ी में 796 cc का इंजन देखने को मिलता है विथ 3 सिलेंडर के साथ, जिसमें कि अगर पावर की बात करें तो 40 bhp 6000 rpm पर, वहीं टॉर्क की बात करें 60 Nm टॉर्क 3500 rpm पर। वहीं इसके अलावा इस गाड़ी के माइलेज की बात करें कि CNG में कंपनी कितना क्लेम करती है, तो कंपनी CNG में क्लेम करती है इसका 31 kg के हिसाब से। आपको इस गाड़ी में 5 सीटर की सीटिंग कैपेसिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा इस गाड़ी के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको इस गाड़ी में 35 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा इस गाड़ी के बूट स्पेस की बात करें तो आपको इस गाड़ी में बूट स्पेस में 60 लीटर का कैन देखने को मिलता है CNG का, तो आपका बूट स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। बात करें इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस में, वैसे तो छोटी गाड़ी आप ऑफ रोडिंग नहीं करोगे। वहीं इसके अलावा इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको इस गाड़ी में 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। इस गाड़ी के करवेट की बात करें तो आपको इस गाड़ी में 940 kg का करवेट देखने को मिलता है। ये सब तो इस गाड़ी की नॉर्मल चीज़। अगर हम इस गाड़ी के कुछ फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स की तरफ बात करें तो जैसे कि ABS, EBD, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, कीलेस एंट्री, स्पीड अलर्ट, क्रैश अलर्ट, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी के प्राइसिंग की बात करते हैं कि जो आपका LXI ऑप्शनल CNG वेरिएंट है वो आपको ऑन रोड कितने का देखने को मिलता है ये वाले टाइम पे, अगर आप इस गाड़ी को अभी खरीदते हो तो, जो कि आपको लगभग ऑन रोड पड़ता है 5,65,000। और इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी को फाइनेंस करवाने की सोच रहे हो तो आपको 1-2 लाख रुपये भी महंगी देने वाली है, वो आपका फाइनेंस प्लान के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। बाकी हमने इस वीडियो में इसके LXI ऑप्शनल CNG वेरिएंट के बारे में बात की, जो कि टॉप एंड वेरिएंट रहने वाला है और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट माना जाता है इसको CNG में। अगर आप इसका CNG वेरिएंट लेना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। बाकी वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और जो कमेंट सेक्शन है वो आप सभी के लिए खुला है। डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप में से किसी भी बंदे को अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाना हो या कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल है, कॉन्टैक्ट जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।